हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, लेकिन वो अभी भी उनके पास ऐसे चांसेस हैं। अगर उनका स्कोर जितना है उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन आपकी अच्छी है ही ऑलरेडी, क्योंकि आपने अभी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन आप सिर्फ कम स्कोर होने की वजह से परेशान हो। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ, जिसकी वजह से आपका स्कोर थोड़ा कम रहा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जहां से आपको करियर को उड़ान मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। एक एग्जाम की डेट तो आज ही लास्ट डेट है, यानी कि 13th May 2024। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आप भी इस वीडियो के लिए, यानी कि इसी तरीके की वीडियो की तलाश में थे, तो इस वीडियो में आपकी काफी हद तक तलाश खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए सबसे पहले हो सकते हैं आइजर और नाइजर के एग्जाम। तो ये एग्जाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यहाँ से अपना डिग्री कंप्लीट की, तो यहाँ से अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपकी मिनिमम 50-60,000 सैलरी स्टार्ट हो जाती है और आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द MBBS। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़े से टफ होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम इजी नहीं है। स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख जाएगा, कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ज़रूर से ध्यान रखना कि ये जो एग्ज़ाम है, अगर वो स्टूडेंट देंगे जिनका स्कोर 400-600 के बीच में है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, क्योंकि IIT लेवल की इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है सब जो कि आपने थंबनेल में देखा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है इसलिए सभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन उन स्टूडेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है जिन्होंने तैयारी की है और वो कुछ नंबर की वजह से थोड़े पीछे रह जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लेने से, और उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बाकी ऑप्शंस को तलाश करें। तो बाकी ऑप्शंस पे जाने के लिए उनके पास इतना बजट नहीं होता, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि उनका डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए अगर एक बेस्ट करियर ऑप्शन की बात की जाए, तो ये इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन अच्छे हैं, जैसे कि अपने स्पेस रिलेटेड साइंटिस्ट आप इसमें बन सकते हो। हालांकि होती नॉर्मल इसमें जो अपन 12th करने के बाद में अपन जो अपनी नॉर्मल BSc करते हैं, BSc MSc करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी MS और इस तरीके की BS और MS के तैयारी करवाई जाती है, यानी कि वो आपको सिखाया जाता है। जो आपके साइंटिस्ट बनते हैं वो उनको इतना एडवांस तरीके से सिखाया जाता है, जिस तरीके से आप अगर नॉर्मल कॉलेज से MBBS करते हो और एक M से MBBS करते हो, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है। इस एग्जाम्पल से आप इनको इजीली समझ सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि MBBS करना एक नॉर्मल MBBS कॉलेज से और एक M's दिल्ली से या फिर M's से MBBS करना, उन दोनों में डिफरेंस है। उसी तरीके से एक नॉर्मल BSc करना और एक MS और BS यहाँ से करना इन कॉलेजेस से, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर ये इनको डिफरेंशिएट करता है। और जितने भी ये एग्ज़ाम्स यहाँ पर क्लियर करके ये डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं रहता, सभी को जॉब मिलती है किसी ना किसी फील्ड में, और मिनिमम 50-60,000 आपकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एक बेस्ट करियर ऑप्शन जो हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। इसके लिए मैंने ऑनलाइन था स्क्रीन के ऊपर वो देख लेना, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 13th अप्रैल से स्टार्ट हुए थे जब मैंने आपको अपडेट कर दिया था। एडमिट कार्ड इसके रिलीज हो जाएंगे स्टेट को, लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 31st May 2024। तो अभी भी आपके पास टाइम है, इसको आप दे लेना। और जो स्क्रीन के ऊपर डिटेल है वो मैंने बता दी थी, उस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए ऑप्शंस, अगर आपको अच्छे ऑप्शंस देखने हैं तो फिर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होगा ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्ज़ाम हो गया, तो ये है नाइजर का एग्ज़ाम, जो कि यहाँ पर NEST के नाम से आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गई, बाकी कोई भी डिटेल है आप पूछना चाहते हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके हर टाइम साथ हूँ और आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है आइजर का, नाइजर मैंने आपको बता दिया। दूसरा है आइजर, जो कि यही बताया था, जो कि IIT का टेस्ट इसके अंदर लगाया जाता है, यानी कि लगता है। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि लास्ट डेट आज ही है 13th May 2024। तो उस वीडियो को आप देखोगे जो मैंने थंबनेल आपको दिखाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल से इनको बताया हुआ है। तो वहां पर जाकर इनका फॉर्म पहले फिल कर दो, उसके बाद आप बाकी की चीज़ें चेक कर सकते हो। अभी टेंटेटिव आप रजिस्ट्रेशन कर देना, क्योंकि करेक्शन भी इसका 16th से 17th मई के बीच में होगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा आज
रजिस्ट्रेशन कर पाओ तो वो रजिस्ट्रेशन कर देना, जो भी मिस्टेक होंगी यानी कि जितना सही आप फिल कर पाओ कर देना, अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाती हैं तो फिर आप उनको ठीक कर सकते हो। करेक्शन विंडो 16 से लेकर 17 मई के बीच में ओपन होगी, रीओपन होगी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये दो एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, बट ये दो एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा बात करें इन दोनों कोर्सेज की, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो भी आपके पास स्कोप है। हालांकि मैंने ये जो थंबनेल दिख रहा है आपको इस वीडियो में, मैंने बताया है कि अगर आपका नीट का स्कोर कम है तो भी आप इस तरीके की जो फील्ड है उसमें जा सकते हो और डॉक्टर अपना बन सकते हो। तो फिर भी मैं इस वीडियो में और आपको बता देता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन आपका बीपीटी का होता है, जिसमें कि नीट का स्कोर अगर आपका कम भी है तो भी आपका चल जाएगा, जैसे कि 400 से 500 मार्क्स के बीच में तो भी हो जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आप इनके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि नीट का स्कोर, अब आप ये बोल सकते हो कि सर हमारा नीट का स्कोर तो अच्छा नहीं है इसीलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बीपीटी का एग्जाम जो है आप सीयूईटी के एग्जाम से भी क्लियर कर सकते हो, और सीयूईटी के एग्जाम के बारे में आपको सबको पता ही होगा, मैंने आपको अपडेट किया हुआ भी है चैनल के ऊपर, तो वहां से भी आप इन कॉलेजेस में बीपीटी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। बीबीएससी यानी कि वेटनरी का कितना स्कोप है आप जानते होंगे, आपके भी घर में एक पेट जरूर होगा और आप भी उसकी सर्विसेज के लिए जाते होंगे और देखते होंगे कि वहां पर आप वो कितने पैसे आप कमा सकते हो इस चीज के अंदर। तो यहां पर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बीपीटी के एग्जाम्स, सॉरी, जो बीबीएससी है ये वेटनरी के एग्जाम्स होते हैं, अपने स्टेट आप जो स्टेट हैं वो अलग से भी कंडक्ट करवाते हैं, नीट से भी एडमिशन होता है। तो आप अपने स्टेट के लिए आप चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट में इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, वो चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट के बारे में मैं बताना चाहूँगा तब तक तो उस स्टेट की तो डेट निकल जाएगी जिसका लास्ट में नंबर आएगा। तो वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना और मुझे सजेस्ट भी कर देना, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आप अपने स्टेट के एग्जाम मेरे को बता पाओगे उतना मैं आपके लिए वीडियो बना के हेल्प कर पाऊंगा, ताकि बाकी लोगों का फायदा हो जाए। तो आप अपने स्टेट के बारे में मुझे कमेंट कर देना कि कौन से एग्जाम्स इन एग्जाम्स के लिए, इन एग्जाम्स में एडमिशन लेने के लिए होता है, वो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। बीएचएमएस का एग्जाम ये आप दे सकते हो अगर आपका स्कोर इतना है तो, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आता है बीएससी नर्सिंग का, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं अगर कम स्कोर है तो। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस अलग अलग होती हैं, तो इनको आप जरूर चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके लिए और भी करियर बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी के अंदर आपके लिए अलग से एग्जाम करवाए जाते हैं जिनको कि आप दे सकते हो, जैसे कि पैरामेडिकल के कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल देख रहे हो, ये मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट दिया भी था। तो इसके लिए आपको सीपेट का एग्जाम देना होता है पैरामेडिकल के लिए, सीपी नेट का एग्जाम आता है और सी नेट के एग्जाम आते हैं। तो ये एग्जाम्स आप यूपी स्टेट के लिए भी दे सकते हो। राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आप के लिए सीयूईटी का एग्जाम ही ऐसा होता है जिसको देखकर आप अपनी ये जो इन जो कॉलेजेस हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्राइवेट कॉलेजेस में आप सिर्फ वेटनरी कोर्सेज में ही नहीं, प्राइवेट ये जितने भी कोर्सेज हैं इनके अंदर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हो। वेटनरी की बात करें तो सीयूईटी का एग्जाम राजस्थान में लगता है, वो मैंने आपको बता ही दिया, उसके बेसिस पर भी हो सकता है। और पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि अलग से एग्जाम होता था, बट अभी सब कुछ नीट से ही हो गया है तो इसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गई। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि यूपी स्टेट के लिए, जो कि मैंने बता दिया। एक लड़कियों के लिए एक और एग्जाम होता है एमएनएस का, तो वो एग्जाम भी आप दे सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो एमएनएस का एग्जाम दे सकती हैं, वही एलिजिबल होती हैं इसके लिए। और जो मिलिट्री के अंदर यानी कि आर्मी के अंदर नर्स का काम कर सकती हैं और अच्छी खासी सैलरी उनकी करीब 2 लाख पर मंथ तक इनकी सैलरी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि एमएनएस का कोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ओनली ये गर्ल्स की है, बट गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनका अगर नीट का एग्ज़ाम सही नहीं गया है तो वो ये एग्ज़ाम जरूर दें एमएनएस का एग्ज़ाम। इसमें आपके बहुत अच्छे करियर स्कोप है। एक तो आर्मी की कितनी रेस्पेक्ट होती है, आपको अगर कोई आर्मी का नाम भी लेता है तो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट आ जाती है। तो अगर आप वहाँ पर एक मेडिकल लाइन का फील्ड का काम करोगे तो फिर आपकी रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, एमएनएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। वेटनरी सीयूईटी और सीपेट, सी नेट और काफ़ी सारे सीपी नेट के एग्ज़ाम मैंने आपको बताए। बाकी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बीपीटी का बताया मैंने, बीवीएससी का बताया, बीएचएमएस का बताया और बीएमएस, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है चैनल के ऊपर, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत कम है तो
और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो तो भी ये हो सकता है, और अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद में सिर्फ MBBS में ही एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए मैं आने वाले टाइम में वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो वो आप देख लेना। बाकी चैनल के ऊपर जितनी भी काउंसलिंग होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम पर, हर दिन आपके लिए नया वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो लाता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आपके नीट में मार्क्स कम भी हैं तो भी। ध्यान रखना, आप अपने कॉमेंट्स मुझे ज़रूर बता देना करके कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या नॉलेज आपको चाहिए, और आप मुझे भी अपडेट कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन देके अपने स्टेट से रिलेटेड, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बता पाऊंगा जो कि मैं एक अकेला इन सब के लिए नहीं बता सकता। तो आपकी हेल्प से और आप मेरी हेल्प से अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके की वीडियोज़ में लाता रहूँगा, मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।